नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वैदिक नॉलेज चैनल में। आज हम आपको बताएंगे गुप्त नवरात्रि के दौरान आप कौन से उपाय कर सुखी बन सकते हैं इस बारे में। आज का ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको हमारे चैनल के नए नए अपडेट्स मिलते रहें। साल में चार नवरात्रि आती हैं, जिनमें से दो गुप्त नवरात्रि आती है। आम तौर पर लोग शारदीय और चैत्र नवरात्रि के बारे में ही जानते हैं। इसके अलावा दो और नवरात्रि भी आती हैं, जिनमें विशेष कामनाओं की सिद्धि की जाती है। गुप्त नवरात्रि में सात्विक और तांत्रिक पूजा होती है। गुप्त नवरात्रि में पूजा और मनोकामना को गुप्त रखा जाता है। कहते हैं कि ऐसा करने से माँ दुर्गा का आशीर्वाद प्राप्त होता है और फल दुगना प्राप्त होता है। गुप्त नवरात्रि के दौरान विवाह, नौकरी आदि संबंधी कई उपाय भी किए जाते हैं। इस साल माघ गुप्त नवरात्रि 12 फरवरी से शुरू हो रही है। जानिए इन उपायों के बारे में। संतान प्राप्ति के लिए गुप्त नवरात्रि के दौरान 9 दिन माँ दुर्गा को पान का पत्ता अर्पित करना चाहिए। पान का पत्ता कटा फटा नहीं होना चाहिए। कहते हैं कि ऐसा करने से मनोकामना पूरी होती है। नौकरी की समस्या के लिए, नौकरी या जॉब में किसी तरह की समस्या आ रही हो तो गुप्त नवरात्रि के दौरान 9 दिन तक माँ दुर्गा को बताशे पर रखकर लौंग अर्पित करनी चाहिए। खराब सेहत के लिए, खराब सेहत से छुटकारा पाने के लिए 9 दिन तक देवी माँ को लाल पुष्प अर्पित करना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से व्यक्ति स्वस्थ होता है। कर्ज से मुक्ति पाने के लिए, कर्ज या किसी वाद विवाद से मुक्ति पाना चाहते हैं तो इसके लिए 9 दिन तक देवी माँ के सामने गुग्गुल की सुगंध वाला धूप जलाएं। ऐसा करने से समस्याओं से मुक्ति मिलती है। विवाह के लिए, अगर विवाह में कोई बाधा आ रही है तो पूरे 9 दिन पीले फूल, फूलों की माला अर्पित करनी चाहिए। ये थी जानकारी कि गुप्त नवरात्रि में आप माता को क्या अर्पित कर उन्हें प्रसन्न कर सकते हैं इस बारे में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। धन्यवाद।